तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है एक्स वाई एंड जेड। हम इसमें कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ से मान लो ये सेंटर है, हमारे पास कोई स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर से रेडियस क्या होगी। रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई रेडियस है आर। ओके, योगी हमारी रेडियस आर। और इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट से लंब खींच दिया और इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। तो ये एंगल तुम जानते हो कि जेड एक्सिस से जो आर के बीच का एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वाई की तरफ उसे फाई कहते हैं। अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे तुम्हें एक्स वाई एंड जेड दिख रहा है और आर थीटा एंड फाई दिख रहा है। मैंने इसे स्फीयर के अंदर वाला भाग तुम्हें दिखाया है, पूरा स्फीयर बना के नहीं, तो होपफुली तुम समझ सकते हो। ये मत समझना कि ये वाली जो लेंथ है ये रेडियस है, ये ओनली जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ये फाई है, ये रेडियस नहीं है, ये है आर साइन थीटा। अब तुम कहोगे ये कैसे आया, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे आया। तो चलो देखते हैं ये कैसे आया। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस आर, ये जेड एक्सिस, और ये एक मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो थीटा है ये किसके पास है, इस लाइन के पास है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें रिजल्टेंट निकालना आता है कि थीटा के पास वाला जो भुजा होती है उसको हम आर कॉस थीटा लिख देते हैं, है ना। आर यानी कि ये इसका और इसके कॉस के साथ मल्टीप्लाई, और जो दूसरा वाला भुजा होती है उसको साइन के साथ। इसको मैंने तुम्हें पहले बताया भी है इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में, जब मैंने कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के बारे में बताया था, तो तुम समझ सकते हो। इसके बाद ये तुम्हें समझ में आया कि ये आर कॉस थीटा कैसे हुआ। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है और कर्ण क्या दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें यानी कि ये निकालना है तो तुम्हें के की वैल्यू क्या मालूम है, आर मालूम है, तो आधार क्या आ जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, इस तरह से हम ले सकते हैं कर्ण। और यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है, बस सिंपल सा तुम ये समझो कि जो थीटा है उसके पास वाले जो भुजा है उसको हम आर कॉस थीटा कह देंगे, यानी कि आर के साथ कॉस का मल्टीप्लाई करा देंगे, और जो इसके सामने वाला है उसको साइन के साथ। इसके बाद ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींची, तो ये वाली लाइन का मान जितना होगा वो इतना होगा, यानी कि आर साइन थीटा इस लाइन का भी वैल्यू हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आर साइन थीटा है, यानी कि इसके पैरेलल है, तो ये भी होगी आर साइन थीटा। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, ये तो मालूम है, ये लेंथ क्या होगी और ये लेंथ क्या होगी। ये लेंथ यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास आर साइन थीटा है और हमें मालूम है ये फाई है, और फाई के पास वाला जो भुजा है उसको हम कॉस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि इसको हम कॉस से मल्टीप्लाई करा दें, आर साइन थीटा कॉस फाई, जैसा कि यहाँ पे किया था। इसके पास वाला एंगल के पास वाला क्या है, ये वाली भुजा है, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, कर्ण को कॉस से। वैसे ही इसको, ये कर्ण है यहाँ का, तो आर साइन थीटा को
कॉस से मल्टीप्लाई करा दिया। और अगर मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूँ इस तरह से, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कि इसके सामने वाला ये है, तो इसको हम साइन के साथ लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ये फाई वाला एंगल साइन फाई, वही एंगल इसका भी होगा आर साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जिसका जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ये भी होगी। तो ये हो गया हमारा, तो तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसको डिराइव करते हैं, इतना तो समझ में आ गया तुमको। जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, चलो तुम्हें अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मैं अब आगे बताता हूँ और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो मान लो यहाँ हमारे पास जेड एक्सिस है, ये है और ये है, इन तीन ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। और यहाँ से अगर हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। और तुम जानते हो कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई एंगल थीटा है या फाई है, कुछ भी हो, यहाँ मैंने थीटा माना, तो अगर कोई एंगल थीटा है और उसके पास वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है, यानी ये वाली क्या है, ये है आधार, क्योंकि एंगल इसके पास है, इसके पास नहीं है। वैसे ही यहाँ पे एंगल इसके पास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि ये हो गया जेड एक्सिस आधार, है ना। इस तरह से मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, आधार हो गया। और कर्ण क्या हो गया, अब ये तो तुम्हें मालूम है, ये तो यही होगा फिर आर, तो जेड इक्वल टू आ गया आर कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद अगर हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा ये वाली लाइन और बटे इतना, यानी कि इसको अगर हम कह दें अभी, ये अगर हमें मान लो कि ये नहीं मालूम है, तो ये इसको हमने क्या माना था, इसको हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर एक्स एक्सिस से और वाई के बीच का एंगल फाई था, और ये हमने याली जो भुजा थी इसको हमने रो माना था, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको रो मान लिया, ठीक है, इस वाली लाइन को रो से डिनोट किया और हमने लिख दिया रो अपॉन में आर, यानी कि लंब बटे कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, सिंपल है। और यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, यानी कि ये इस लाइन के पैरेलल है, अगर इसकी वैल्यू रो है यानी कि आर साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू भी आर साइन थीटा है। जब इसकी वैल्यू आर साइन थीटा है, तो हमें ये निकालना है, यानी एक्स एक्सिस को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम अगर मुझे ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया इमेजिनरी लाइन जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल इस बार लिया, तो अगर हमें इस ट्रायंगल में कॉस फाई निकालना है, कॉस फाई निकालना है इन ट्रायंगल में, तो तुम्हें मालूम है ये इससे जुड़ा हुआ, यानी कि बेस ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे एक्स अपॉन में आर साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स, अभी ये मालूम ही नहीं है, तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था, अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ एक्स है और अपॉन में कर्ण यानी कि आर साइन थीटा, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर साइन थीटा कॉस फाई। ये देखो वही वैल्यू आई, है ना। अगर हमें साइन फाई निकालना है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि ये वाई एक्सिस वाई अपॉन में कितना आर साइन थीटा, हमारा वाई आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, है ना, क्योंकि इसके जो सामने वाला है वो लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, और ये जितनी वैल्यू आएगी इसकी
यानी कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल था, यानी कि ये भी वाई है, जितनी वैल्यू इसकी इतनी वैल्यू इसकी, तो वाई क्या आ गया हमारा वाई, ये इधर चला गया और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई आ गया। यहाँ पे मैंने जो जेड था, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको वापस से इधर लिख लिया और इसको इक्वेशन मान ली, इसको मैंने ए मान लिया, इसको एक्स वाई एंड जेड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये मान लिया हमने, एक्स वाई जेड निकाल लिया। अगर हमें इनमें से किसी वैल्यू को, अगर हमें कार्टिसियन से स्फेरिकल चेंज करना है तो हम इन सभी फार्मूलेस का यूज़ करेंगे। हम अपने न्यूमेरिकल में देखेंगे, जो हमने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर कर दूँ और जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। हमने तीनों का स्क्वायर किया एक एक करके, फिर तीनों को जोड़ दिया, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ने पर हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सबको स्मॉल में ही कर लेता हूँ, ओके, सब कुछ एक्स वाई जेड स्मॉल में है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों हो गए। और इसके बाद इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जब तुम इसका तीनों का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये ब्रैकेट में सारे मिलके एक हो जाएंगे, यानी कि तुम कर सकते हो, या फिर मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों को जोड़ा, और जब मैंने इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा तो क्या आया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर भी हो गया और इसका स्क्वायर भी हो गया। अब मैंने यहाँ से आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, ये बचेगा। यहाँ से मैंने देखा कि इसमें और इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, जब आर स्क्वायर पूरे से कॉमन हो गया इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, बचा ये, और इससे भी ये दोनों कॉमन हो गए तो बचा ये, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ये तुम जानते हो। प्लस आर स्क्वायर तो कॉमन ही था, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आर स्क्वायर जब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो वन से इसका मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो वही तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर जो है इधर रूट में बदल जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसके बाद मैंने जब आर निकाला, फिर मैंने सोचा कि फाई भी निकालना पड़ेगा, अब फाई कैसे निकालूंगा मैं, तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वाई बाई एक्स हो गया और इतना बटे इतना, तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा सेम है तो कट जाएगा, और साइन फाई अपॉन में कॉस फाई इक्वल टू टैन फाई, यानी कि यहाँ से फाई की वैल्यू क्या निकलेगी, टैन इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, और टैन इन्वर्स वाई बाई एक्स ये हो जाएगी हमारी फाई की वैल्यू। इसके बाद हम देखेंगे कि जेड की वैल्यू कैसे निकाली। हमने आर निकाल लिया, फाई निकाल लिया, एंड तीसरा बचा हमारा जेड, स्फेरिकल में जेड भी होता है, तो थीटा, जेड नहीं थीटा, तो आर फाई निकाल लिया, थीटा की बारी, थीटा कैसे निकालेंगे। जो हमारी इक्वेशन ए हमने मानी थी, यानी कि ये वाली इक्वेशन ए, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो रो बाई जेड, और ये इतना बटे इतना, यानी कि आर आर कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो हमारा आ गया टेन इनवर्स, यानी टेन इनवर्स इधर चला जाएगा, टेन इनवर्स रो बाई जेड, और तुम जानते हो कि रो इक्वल टू होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, तो मैंने रो की जगह ये रख दिया, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड टू आर थीटा एंड फाई। यानी कि अगर हमारे पास एक्स वाई एंड जेड दिया गया हो और इससे कहे कि स्फेरिकल निकालो, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इन फार्मूलोज का यूज़ करके हम इन फार्मूलाज जो हैं ये सब, इनका यूज़ करके हम जो न्यूमेरिकल है हमारे वो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये रो वाला एक्स वाई एंड जेड, एंड आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंड थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनसे हम देख सकते हैं।